टाइम स्पीड डिस्टेंस के बारे में तो आप सबको पता ही है नॉर्मल जो डेफिन नॉर्मल नॉर्मल चीज टाइम क्या है टाइम तो समय स्पीड क्या है स्पीड क्या है स्लो स्पीड क्या है क्या होता है स्पीडी यार फॉर्मूला मत बोलो फॉर्मूला से बाहर निकलो स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम का मतलब सपोज एक आदमी है यहां पे। यहाँ पे है ना पवर्ड इन यूनिट क्या आदमी ये डिस्टेंस कवर कर रहा है सपोज ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ फिर भाग भाग के पूरा डिस्टेंस कवर किया सिक्सटी किलोमीटर ठीक है सिक्सटी किलोमीटर इसने कवर किया वन आवर में तो टाइम लगा एक घंटा एक घंटा में उसने सिक्सटी किलोमीटर कवर किया तो वो कितना कवर कर रहा है सिक्सटी किलोमीटर पर आवर का मतलब वो एक घंटे में सिक्सटी कर रहा है तो उसका स्पीड सिक्स ठीक है उसका स्पीड सिक्सटी है स्पीड बस एक टर्म दिया गया है इस चीज को एक नाम से बुलाना पड़ेगा किसी नाम से नहीं बुला सकते इसीलिए तो स्पीड बोला गया है कुछ तो बड़ा बड़ा बात नहीं है. कि मतलब जो डिस्टेंस जो एक घंटा में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो उसका स्पीड है ठीक है ये एक घंटा की जगह एक सेकेंड भी हो सकता है ये एक मिनट भी हो सकता है डिपेंड करता है फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो स्टैंडर्ड यूनिट्स हम लोग मेंटेन करते हैं किलोमीटर और आवर में ठीक है तो स्टैंडर्ड यूनिट किलोमीटर पर आवर का आता है और एक घंटे में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है दैट इज दैट इज वॉट स्पीड ये स्पीड है और डिस्टेंस टाइम ये सब तो आपको पता ही है समझें तो स्पीड का और एक चीज़ है कि इस चैप्टर में दो तीन है कि स्पीड जो है वो हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा से यूनिफॉर्म रहेगा मतलब से से वन आवर में से वन आवर में सिक्सटी किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है से वन आवर में सिक्सटी किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है तो दो घंटे में वन ट्वेंटी किलोमीटर ही होगा ठीक है तीन घंटे में वन एट्टी किलोमीटर ही होगा स्पीड चेंज नहीं होगा समझ तो रहे हैं ना स्पीड मतलब उसका कैपेसिटी चेंज नहीं होगा ये नहीं कि वो भाग रहे दो घंटे बाद थक जाएगा वैसा नहीं होगा ठीक है यहाँ पे जो लोग रहेंगे वो लोग कभी थकेंगे नहीं उसका तो स्पीड हमेशा सेम रहेगा मतलब वो लोग एक घंटा में सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल करेंगे ये एग्जाम्शन मान के चलना है अनटिन एंड अनस आपको क्वेश्चन में बोला हो कि स्पीड चेंज हो तब तक स्पीड चेंज नहीं होता है आपको ये मान के चलना पड़ेगा स्पीड यूनिफॉर्म है उसका ठीक है स्पीड चेंज होने का कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में नहीं है वो फिजिक्स वो सब तो आप लोग को तो ये सब चीज एजम्सन मान के चलना है वो भी एक घंटा में डिस्टेंस ट्रेवल होगा दो घंटे में भी सेम डिस्टेंस और तीन मतलब समझ रहे हैं ना सेम 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 होगा डिस्टेंस कोई चेंज नहीं है उसमें आज इंट्रोडक्टरी क्लास है इसीलिए मैं आपको ये सब समझा रहा हूँ थोड़ा सा देख लो ज्यादा नहीं है टेंशन मत लो जो लोग मतलब ऑलरेडी प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स हैं ना आप लोग टेंशन मत लो ज़्यादा है ही नहीं इसमें समझाने का हम लोग बहुत जल्द क्वेश्चन में मूव करेंगे लेकिन जो लोग फर्स्ट है उनको एटलीस्ट बेसिक्स समझाना बहुत जरूरी otherwise problem create है अदरवाइज वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ठीक है तो ये हो गया स्पीड का डेफिनेशन स्पीड का मतलब क्या है एक घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है दैट इज द स्पीड इस एक घंटे की जगह एक मिनट सेकेंड कुछ भी रह सकता है बट यूनिट टाइम रहेगा ठीक है एक रहेगा जैसे सपोज अगर एक आदमी किलोमीटर्स ट्रेवल करता है स्पीड सिक्सटी किलोमीटर ये इन टेन आवर्स करता है तो स्पीड क्या है क्या है सिक्स किलोमीटर पर आवर कैलकुलेट मत करो कैलकुलेट नहीं करके करना है कैलकुलेट नहीं करना है कि ये नहीं ये ये नहीं चाहिए टेन, नहीं। ये सब दिन गया अभी साठ किलोमीटर दस घंटा में क्या तो एक घंटा में कितना करेगा छः करेगा छः स्पीड है समझना है देखो आप मैथ्स को जितना कम मैथमेटिकली समझेंगे उतना ज्यादा अच्छा ना कम आप ये राइटिंग वाला लैंग्वेज में हम लोग बचपन से मैथ्स को राइटिंग वाला लैंग्वेज में ठीक है हम लोग सिलेंडर का फॉर्मूला जानते हैं वॉल्यूम का पाय आर्सक्वेरेज लेकिन आपको ये पता है क्या कि ये पा आर स्क्वेरेज कहाँ से आया ये आपको पता हो सकता है मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा कि पता हो सकता है लेकिन बहुत लोगों को नहीं भी पता है ठीक है क्योंकि हम लोग मैथ्स को सिर्फ ये राइटिंग में करना चाहते वो नहीं है भाई इमेजिन करना पड़ेगा इमेजिन कर इमेजिनेशन का ही गेम है बस तो इमेजिन कर सके तो हर एक प्रॉब्लम आप दिमाग में ही कर सकते हैं पेन निकालने का भी जरूरत नहीं है ठीक है इतना हाई लेवल में नहीं चाहिए लेकिन एटलीस्ट थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें इस चैप्टर में तो इमेजिनेशन चाहिए बहुत ज़्यादा चाहिए ठीक है तो ये हो गया स्पीड एकदम आराम से साठ किलोमीटर दस घंटा में कर रहा है तो एक में कितना करेगा छः किलोमीटर करेगा एक घंटा में जितना ट्रेवल करेगा वही तो उसका speed. है ना तो छः किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ये हो गया स्पीड और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसके बाद देखो अभी एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इस अच्छा आप लोग मुझे थोड़ा सा एक छोटा छोटा मोटा चीज़ है ये थोड़ा समझा दो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में लेने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा समझा दो थोड़ा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फाइव बाई एट्टीन वेरी नाइस ठीक है जैसे कि अगर मैं लोग 18 किलोमीटर पर आवर वो मीटर बाई सेकेंड में क्या होगा 18 इंटू फाइव बाई करना पड़ेगा तो वो फाइव मीटर पर सेकेंड उसी जगह में अगर मैं पच्चीस मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में लेना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर फिर तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा yes, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नब्बे आ जाएगा ना तो ये सब बच्चा वाला चीज है थोड़ा सा सीख लेना ये सब जरूरी है कभी क्या पता कभी आ जाए ठीक है जनरली तो आता नहीं है और कभी कभी कन्वर्शन में लास्ट स्टेप में जरूरत पड़ सकती है इसका ट्रिक ट्रिक क्या है रिमेम्बर करने का देखो किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं ना किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं मतलब बड़ा से छोटा में जा रहे हैं हम लोग बड़ा कुछ चीज से छोटा में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई आपको छोटा से करना पड़ेगा बड़ा से छोटा मतलब मल्टीप्लाई बाई छोटा छोटा क्या है फाइव है ना फाइव बाई एटीन यहाँ पे मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं छोटा से बड़ा में जा रहे हैं तो बड़ा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बड़ा क्या है ये हो गया दियो बाद दियो बाद एक चीज़ कौन सा चीज में कांस्टेंट क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा मतलब क्या हम लोग हर एक क्वेश्चन को तो यहाँ पे डी और डी निकाल के नहीं करेंगे ना जैसे हम लोग बचपन में करते थे वो नहीं करना है अभी हम लोगों ने रेशियो सीख लिया रेशियो से करेंगे सारा क्वेश्चन देखो क्या है सपोज मैं आपको बोलता हूं सपोज दो लोग हैं ठीक है थीके? ये है ए दो लोगों का नाम है हाँ एक है ए और ए और एक का नाम क्या है बी ए का स्पीड कितना सपोजी मीटर पर सेकंड और बी का स्पीड कितना सपोज 40 मीटर आप आप ऐसा सोचो कि आप यहाँ पे जाके वो है मतलब क्या बोलते ये यह यहाँ पे कुछ 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 वो चल रहा है रनिंग चल रहा है ठीक है रनिंग का ट्रेनिंग कुछ भी मान लो मतलब मैराथन का प्रैक्टिस करा रहे आप करा रहे ठीक और आप उसमें वो है क्या बोलते हो क्या बोलते हो उसको तो इंस्ट्रक्टर रहता है ना आप इंस्ट्रक्टर है आपने बोला कि तुम लोग भागो दोनों तुम लोग दोनों भागना स्टार्ट करो आप यहाँ पे है इस पॉइंट में आप है आपने सिटी बजाया या फिर सिटी छोड़ो सिटी पुराना स्टाइल का है या आपके पास एक देखो डायग्राम के साथ थोड़ा एडजस्ट कर लेना ज्यादा अच्छा डायग्राम देखने का आदत तो होगा में भी मिल जाएगा नर्वस मत होना कि अच्छा ड्रॉइंग हो रहा है ये मतलब एक ही मैच मैच भी इतना अच्छा कर तो ये जो है ये क्लॉक है ठीक है और जो इंस्ट्रक्टर है उसने बोला कि वो वो क्लॉक ये स्टॉप स्टॉप वॉच वॉच है तो वो को यहां से प्रेस करेगा दबाएगा और दोनों भागना शुरू करेंगे तुम इंस्ट्रक्टर हो तुम यहाँ पे इसको दबाओगे तुमने स्टॉप वॉच दबाया दोनों ने भागना शुरू किया तुमने एक टाइम पे स्टॉप वॉच रोक दिया तो दोनों को उस टाइम पे रुकना पड़ेगा समझ में आ रहा है मेरा बात तुम हो तुमने स्टॉप वॉच दबाया दोनों ने भागना शुरू किया तुमने स्टॉप वॉच रोक दिया तो दोनों को रोकना पड़ेगा ठीक है सपोज तुमने ये किया घंटे के लिए तुमने, तुमने बोला घंटा छोड़ो यार तुमने सपोज ये दस सेकेंड के लिए ऑन किया ठीक है तुमने सिर्फ बोला कि तुम लोग दोनों मिलकर दस सेकेंड भागोगे ने बोला कि तुम लोग दोनों मिलके दस सेकेंड भागोगे तो अभी तो दोनों ही दस सेकेंड भागेंगे तुम बोलो कि डिस्टेंस कौन ज़्यादा कवर करेगा अगर दोनों को दस सेकेंड भगाया तो डिस्टेंस कौन ज़्यादा कवर करेगा ये करेगा ये करेगा ना समझ में आ रहा है है ना नॉर्मल बात है अगर मैं अभी जैसे मैं एक जानू अभी मेरे से तुम लोग थोड़ा फिट भी होगा तो अभी अगर मैं और आप अगर भागेंगे तो अगर मैं आपका स्पीड मुझसे ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भागोगे ना सेम बा, बात है ना अगर मैंने मैंने कर दिया मतलब बोला कि दस दोनों को कौन ज़्यादा भागेगा एक सेकेंड में, में जो ए जो है वो एक सेकेंड में कवर करता है पचास और बी जो है वो एक सेकेंड में कवर करता है चालीस ठीक है एक सेकेंड में ए कवर करता है पचास बी करता है चालीस दस 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 मीटर तो एक सेकेंड में ही ज़्यादा कवर करता है तो दस सेकेंड में तो सौ मीटर आगे निकल जाएगा ना एक सेकेंड में ही दस मीटर आगे रहता है तो दस सेकेंड में तो वो सौ मीटर आगे निकल जाएगा तो ऑब्वियसली जिसका जिस ज्यादा स्पीड है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उसका मतलब ये है अगर टाइम कॉन्स्टेंट होता है टाइम अगर कॉन्स्टेंट होता है तो स्पीड का जो रेशियो रहता है स्पीड का रेशियो क्या है फिफ्टी और फोर्टी फिफ्टी और फोर्टी मतलब फाइव और फोर ठीक है तो टाइम अगर कॉन्स्टेंट है तो स्पीड का जो रेशियो है जिसका ज्यादा स्पीड वो ज्यादा जाएगा मतलब स्पीड का जो रेशियो है डिस्टेंस का भी वही ठीक है आ गया समझ में सबको आ गया तो यस बोल यही आया तो क्या डाउट है पूछ स्पीड का जो रेशियो है डिस्टेंस का भी वही रेशियो एकदम मैथमेटिकली करने का जरूरत ही नहीं है दिमाग से कर दो कुछ नहीं करना है भाई तुम खुद सोचो कि अगर तुम दोनों का दो दो रनर है सपोज आपने दोनों को बोला कि दोनों तो दोनों एक घंटे के लिए भागो तो कौन ज्यादा डिस्टेंस जाएगा जिसका स्पीड ज्यादा है वही ज्यादा जाएगा ना इसका मतलब स्पीड ज्यादा डिस्टेंस उसका ज्यादा तो मतलब स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है ना स्पीड टाइम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉरी सॉरी क्या बोल रहा हूँ डिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ठीक है तो इसका मतलब स्पीड का जो रेशियो आएगा डिस्टेंस का भी वही रेशियो स्पीड अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब एच वन बाई एस टूल टू डी वन बाई डी टू किट का जो भी रेशियो आएगा एग्जैक्ट सॉरी सेम रेशियो ठीक है ये हो गया स्पीड और डिस्टेंस और इसी को हम लोग मैथ्स में ऐसे करते थे, थे ना नाट क्या है डिस्टेंस बाई टाइम है ना डिस्टेंस क्या है स्पीड इन टू टाइम फिर ये टाइम को कांस्टेंट की जगह में के डाल देते थे फिर डी इज इक्वल टू एस इंटू के आता था अभी कांस्टेंट है मतलब डी इज डायरेक्टलीस ठीक है तो ही हमने ऐसे किया ये याद रखना आप कि अगर आपका टाइम कांस्टेंट है तो आपका स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा सेम होगा रेशियो सेम होगा ये बोला देखो ये जो है सपोज अभी का सिनेरियो में क्या हुआ दो इंसान आए A और बी और दोनों का स्पीड सेम है दोनों का ही पचास मीटर पर सेकेंड स्पीड दोनों का ही कितना स्पीड है पचास मीटर पर सेकेंड फिफ्टी मीटर्स पर सेकेंड स्पीड दोनों का ही है सेम स्पीड है मैंने भी इसको बोला ए को बोला कि भाई तुम 20 सेकेंड दौड़ो तो 20 सेकेंड दौड़ाया और बी थोड़ा सा मोटा था तो उसको तरस खाके सिर्फ 10 सेकेंड ए को 20 सेकेंड दौड़ाया और बी को 10 सेकेंड दौड़ाया दोनों को अलग अलग टाइम के लिए मैंने बोला कि तुम लोग तो एक दिन बीस सेकेंड दौड़ो और एक आदमी जो है दूसरा वाला आप कितना दौड़ो आप दस सेकेंड आप मुझे ये बताइए ज्यादा कौन दौड़ेगा ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर करेगा क्या ये करेगा ना इसलिए ये करेगा क्योंकि ये ज्यादा टाइम के लिए दौड़ रहा है जो ज्यादा टाइम के लिए दौड़ेगा वही ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ना तो स्पीड तो सेम है स्पीड तो डिसाइडिंग फैक्टर है ही नहीं है ना जैसे कि टी अगर 20 सेकंड के लिए दौड़ेगा एक सेकंड में वो 50 दौड़ता है तो में वो 100 दौड़ लेगा ठीक है और बी जो है वो एक सेकंड में तो सॉरी सॉरी एक सेकंड में वो 50 दौड़ता है तो वो कितना दौड़ लेगा कितना दौड़ लेगा हज़ार दौड़ लेगा हजार मीटर दौड़ लेगा लेकिन ये कितना दौड़ेगा ये सिर्फ पाँच मीटर ही दौड़ पाएगा अदरवाइज ऑल्सो इट इज़ सेफ इसका मतलब अगर हमारा स्पीड कॉन्स्टेंट

आ गया ना समझ में तो आ रहा है शायद सबको हम तो बेसिक से जा रहे हैं कुछ भी अलग डिफिकल्ट नहीं है आराम आराम से जा रहे जस्ट एक फर्स्ट क्वेश्चन ये है ये हो गया हमने क्या पढ़ा था लास्ट वाला क्या कांस्टेंट था स्पीड कांस्टेंट समझ तो तो में आ रहा है कि नहीं सबको एक बार यस बोल दो अगर आ रहा है तो बोल दो यार ये वाई टाइप करना है खड़ा है ना आप लोग भी बोर्ड होते होंगे कि क्या ये बार बार ही <laughs> क्या है ना ऑफलाइन क्लास नहीं है ना समझ में ऑफलाइन में मुझे समझ में आ जाता है ऑफलाइन में थोड़ा है। तो ये हो गया आपका उसके बाद तीसरा सिचुएशन है जिसमें क्या कॉन्स्टेंट है हमने क्या क्या कॉन्स्टेंट पर टाइम कर दिया ना टाइम कर दिया और स्पीड कर दिया सपोज दोनों को सेम डिस्टेंस भागना है। ये और बी है ए है ये डिस्टेंस को मान लीजिए सौ मीटर है डिस्टेंस दोनों का डिस्टेंस सेम है सेम डिस्टेंस दिया मैंने दोनों भागने के ए का जो स्पीड है वो है सपोज बीस मीटर पर सेकेंड एक सेकेंड में वो बीस मीटर बी का स्पीड है सपोज दस मीटर अब मुझे बोलिए ए को ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा बोलो ए को डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा पांच सेकंड लगेगा ना पांच सेकंड लगेगा भाई अगर वो बीस मीटर पर सेकंड में भाग रहा है एक सेकंड में बीस भागेगा एक सेकंड में वो कितना भागेगा बीस मीटर भागेगा ना एक सेकंड में बीस मीटर भागेगा सौ के लिए कितना चाहिए बीस 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 पांच बार तो पाँच सेकेंड चाहिए सवाल वो नहीं है देखो सवाल क्या है आप मुझे एक बात बो, बोलो कि फिनिश लाइन ये सपोज स्टार्टिंग लाइन है ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ये जो है ये फिनिश पॉइंट है सॉरी ये भी स्टार्टिंग पॉइंट आप मुझे ये बताइए कि फिनिश पॉइंट तक कौन जल्दी पहुंचेगा ए की बी फिनिश पॉइंट तक जल्दी कौन पहुंचेगा ए पहुंचेगा फिनिश पॉइंट तक जल्दी ये पहुंचेगा ना कि का स्पीड ज्यादा है ठीक है फिनिश इसका मतलब अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो ज्यादा जिसका स्पीड होगा ना स्पीड जिसका ज्यादा होगा उसको टाइम कम लगेगा ठीक है स्पीड ज्यादा होगा उसको डिस्टेंस कवर करने में टाइम कम लगेगा मतलब स्पीड ये केस इंपॉर्टेंट है कि अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट आप खुद सोचो कि आप आपने दो लोगों को सेम डिस्टेंस भाग जैसे कि रेस में होता है रेस में क्या होता है रेस में क्या होता है कि हम लोग सेम डिस्टेंस भागते ठीक है जैसे रेस में होता है ना हंड्रेड मीटर रेस है सब रेस में क्या होता है कि सेम डिस्टेंस भागते हैं सब लोग तो अगर ये रेस है तो बीस मीटर पर सेकेंड जिसका स्पीड है वो ज्यादा जल्दी रेस को कम्प्लीट कर देगा ना मतलब उसको टाइम कम लग रहा है ना जिसका ज्यादा स्पीड हो रहा है टाइम उसको कितना लग रहा है टाइम कम लग रहा है तो ज्यादा स्पीड हो रहा है उसको लग रहा है कम तो मतलब अगर तो हम लोग यहाँ पे ए और बी का स्पीड का रेशियो लेंगे रेशियो तो है हमारे पास ए का ट्वेंटी और टेन ट्वेंटी और टेन स्पीड का रेशियो आ रहा है टू इज टू वन तो टाइम का रेशियो क्या आएगा पता है इसका उल्टा आएगा वन इज टू अब बोलो समझ में आ गया ना नई कॉन्सेप्ट चैप्टर में इतना ही है किस किस को समझ में आ गया बोलो अभी तक जो भी समझ रिवर्स हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब वन बाई एस टू जो होगा टू टी टू बाई टी वन होगा वन बाई एस टू इज इक्वल टू टी टू बाई टी वन ठीक है मतलब क्या s का जो रेशियो रहेगा का उल्टा रेशियो रहेगा ना एस वन बाई एस टू यहाँ पे एस वन पे एस टू क्या बाई वन है वन बाई टी टू क्या होगा बाई टू होगा ना सही होगा देखो आई होप सबको आ गया समझ शायद बार बार टाइप करने के लिए बोर हो रहे कोई बात नहीं यही है कौन बस आगे हम लोग जब वो होगा क्या वो? रहेगा वैसे अलग अलग चीज एवरेज स्पीड रिलेटिव स्पीड और क्या क्या है ना ट्रेन वेन जो भी है इस चैप्टर थोड़ा लंबा चलेगा स्टार्ट करते विदाउट एनी फर्स्ट क्वेश्चन ये इसको वहाँ मैं और क्वेश्चन देख लेता हूँ ये वाला क्वेश्चन करो प्रत्युष कैन कंप्लीट ए जर्नी इन फाइव आवर्स कंप्लीट द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट द स्पीड ऑफ ट्वेंटी फोर किलोमीटर पर आवर सेकेंड हाफ एट दर्टी टू फाइंड द टोटल डिस्टे ट्वेंटी सिक्स आंसर और किसी का आंसर आया आज का क्लास हम लोग स्लो स्लो करेंगे ठीक आराम आराम से फर्स्ट नहीं फर्स्ट क्लास है ना थी? और किसी का आंसर नहीं अगला तो क्वेश्चन तो आप लोगों को टाइम लिमिट का आइडिया है ना प्रत्युष कैन कंप्लीट ए जर्नी इन पॉइंट फाइव आवर्स टाइम में करेगा वो थ्री पॉइंट फाइव He travels the first half of the journey at the speed of 24 km per hour matlab मतलब जो first half tha था ka का jo जो tha हाँ था उसमें kitna कितना था 24 km per hour पर आवर और सेकेंड हाफ में जो जर्नी था उसमें स्पीड कितना था थर्टी पर आवर ठीक है आपको बोला है कि ये पूरा डिस्टेंस निकालने ये जो पूरा डिस्टेंस है ये निकालना है आप तो इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एक है फर्स्ट पार्ट स्पीड है ये और एक है सेकेंड पार्ट इसमें स्पीड है ये आप मुझे बताइए इन दोनों पार्ट में कॉमन क्या है वॉट इज कॉमन ये दोनों पार्ट में कोई एक चीज कॉमन है टाइम कैसे कॉमन है दोनों पार्ट में टाइम सेम लगा है क्या है ना भाई स्पीड कैसे है स्पीड तो यहाँ पे दिया ही हुआ है स्पीड अलग है इसमें फर्स्ट पार्ट में स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर सेकेंड पार्ट में 32 किलोमीटर पर आवर बोला ही है है ना स्पीड तो नहीं है सॉरी मत बोलो सॉरी बोलने का क्या है सीखो सीखो सॉरी बोलने का प्रेशर में मत रहो तब हमेशा आप डरते रहेंगे वो सॉरी वॉडी नहीं है एकदम तो टीचर जैसा मत देखो एक दोस्त आपको समझा रहा है वैसे देखिए तो ज्यादा इजीली ठीक है इजी देखो 24 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर ये दो स्पीड है तो स्पीड तो सेम नहीं है टाइम सेम नहीं है यहां पे क्या बोला ही ट्रेवल्स द द फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी फर्स्ट हाफ मतलब इस पार्ट में जो डिस्टेंस है सेकेंड पार्ट में डिस्टेंस सेम है ही ट्रेवल्स द द फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी एट द स्पीड ऑफ इतना एंड सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी समझ रहे हैं ना मतलब जर्नी का जो फर्स्ट हाफ है और सेकंड हाफ तो दोनों हाफ तो इक्वली होगा हाफ है ना तो दिया है हाफ है हर आए ना समझ में जो फर्स्ट हाफ है मतलब जो भी डिस्टेंस सपोज अगर ये डिस्टेंस सौ है फर्स्ट हाफ मतलब पचास मीटर सेकेंड हाफ मतलब और पचास मीटर ठीक है इन दोनों सिचुएशन में डिस्टेंस सेम है मतलब इस क्वेश्चन में मेरा डिस्टेंस कॉन्स्टेंट ठीक है डिस्टेंस जो है वो कॉन्स्टेंट डिस्टेंस कॉन्स्टेंट अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट गौंस्त होता है तो डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होने से क्या होगा फीट का रेशियो दिया हुआ है ना दोनों पार्ट का क्या है ट्वेंटी फोर और थर्टी टू का अगर रेशियो निकालेंगे तो आठ से तीन बार आठ से चार बार टू फोर ठीक है और डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड जितना ज्यादा होगा आप खुद आप इसको रिमेंबर करने की जगह रिकॉल भी कर सकते आप खुद सोचो अगर डिस्टेंस सेम है तो ना जिसका ज्यादा स्पीड होगा वो जल्दी पहुंचेगा ना जितना ज्यादा स्पीड होगा वो जल्दी पहुंचेगा मतलब अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है तो स्पीड और टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्पीड का रेशियो अगर ये है टाइम का रिश्यू होगा ये इन दोनों पार्ट में अगर यहाँ पे फोर यूनिट टाइम लगाए यहाँ पे टाइम लगा है ती, तीन यूनिट टाइम है अलग अलग दोनों पार्ट का टाइम है ये डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में चार यूनिट टाइम लगाए ये हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में ठीक है टाइम हो गया फोर इस टून आपको क्वेश्चन में बोला है जो पूरा टाइम लगा है वो थ्री पॉइंट फाइव आवर्स है मतलब जो टोटल टाइम लगा है मतलब सात यूनिट सात यूनिट का वैल्यू है थ्री पॉइंट फाइव आवर्स एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा जीरो पॉइंट फाइव आवर्स ठीक है आपको क्या बोला है कि डिस्टेंस निकालना है आप निकालो डिस्टेंस डिस्टेंस निकालो देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में स्पीड कितना था ट्वेंटी फोर किलोमीटर पर आवर ठीक है और टाइम कितना था चार यूनिट चार यूनिट मतलब कितना टाइम लगा ये वाला सिर्फ हाफ को देख लो पूरा नहीं चाहिए सिर्फ हाफ को देख लो ये वाला जो फर्स्ट हाफ है उसमें टाइम कितना लगा चार यूनिट चार यूनिट टाइम मतलब एक यूनिट पॉइंट फाइव आवर है ना तो यहाँ पे दो घंटा लगा होगा ठीक है ये डिस्टेंस निकाल लो ये वाला ट्वेंटी फोर किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जा रहा है और दो घंटा लगा है कवर करने में तो ये डिस्टेंस कितना होगा ट्वेंटी किलोमीटर जाता है पर एक घंटे में तो दो घंटे में कितना जाएगा फोर्टी जाएगा ना ट्वेंटी फोर किलोमीटर जाता है एक घंटे में तो दो घंटे में कितना जाएगा फोर्टी एट जाएगा दो घंटे में फोर्टी एट जाएगा और ये हाफ और ये हाफ तो इक्वल है 48. आया तो फोर्टी समझ में नहीं समझ आई विल रिपीट हाँ बताता हूँ बता तो कोई डाउट है क्या डाउट है ना पहले तो आपको यह समझ में आ गया कि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है तब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वहाँ पे भी सेम डिस्टेंस डिस्टेंस दोनों केस में से चेंज नहीं हो रहा है डिस्टेंस को। मेरे को स्पीड का रेशियो पता है थ्री इज टू फोर स्पीड दोनों केस में अलग अलग दिया हुआ है तो फोर और थर्टी टू का रेशियो थ्री ठीक है डिस्टेंस अगर कॉन्स्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा का मतलब जो स्पीड का जो रेशियो है थ्री इज टू फोर टाइम का रेशियो उल्टा होगा फोर इज टू थ्री होगा ठीक है टाइम का अगर रेशियो फोर इज टू थ्री है तो फिर आपको क्या पूछे आपको अच्छा टाइम का रेशियो फोर इज टू थ्री आपको एक चीज बोला है कि टोटल जर्नी में साढ़े तीन घंटा लगता है फर्स्ट पार्ट में उसको लग रहा है चार यूनिट टाइम सेकेंड पार्ट में लग रहा है तीन यूनिट बॉडी स्टूथ पूरा पार्ट में लग रहा है कितना साढ़े तीन घंटा तो सात यूनिट लग रहा है ना चार यूनिट और तीन यूनिट सात यूनिट लग रहा है तो सात यूनिट का वैल्यू है थ्री पॉइंट फाइव तो एक यूनिट आ जाएगा पॉइंट फाइव एक यूनिट अगर पॉइंट फाइव है तो ये चार यूनिट दो घंटा है इसे समझ में आ रहा है ना यहाँ तक तो आ गया ना चार यूनिट दो घंटा कैसे है yes, आ गया ना यस सर चार्ड यूनिट दो घंटा वाला आ गया ना देखो चार्ड यूनिट अगर देखो चार्ड यूनिट है दो घंटा मतलब ये जो हाफ डिस्टेंस है इसको ट्रेवल करने में दो घंटा लगा है तो स्पीड गिवन है टाइम गिवन है डिस्टेंस निकाल लो ये डिस्टेंस फोर्टी एट आ जाएगा ना स्पीड अगर ट्वेंटी फोर किलोमीटर पर आवर है डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम स्पीड क्या है हाफ डिस्टेंस 24 फोर किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना लगा दो घंटा तो ये डिस्टेंस फोर्टी एट आएगा ना ये डिस्टेंस अगर फोर्टी एट है तो वो भी फोर्टी एट ही है ना दिस्टे... तो आ गया शायद काम करो ये वाला क्वेश्चन

ए, फोर फिफ्थ ऑफ इज एक्चुअल स्पीड ना किया फोर फिफ्थ कर दिया मतलब तो पांच था तो चार कर दिया ट्वेंटी एट ईर्स ठीक है देखो जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया आप मुझे बताओ इस सिचुएशन में कांस्टेंट क्या है कुछ तो कांस्टेंट है क्या कांस्टेंट जो लोग सॉल्व किया आप लोग मत बोल इस सिचुएशन में कांस्टेंट क्या है वो स्पीड को चेंज कर रहा है तो उसको टाइम ज्यादा लग रहा है कांस्टेंट क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है ना वो अपना घर से वो स्कूल जाएगा जो वो अपना घर से जो स्कूल जाएगा वो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है है कि नहीं वो जो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है वो अपना, वो अपना अपना इसका घर है है होम ये स्कूल है। तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा ना घर थोड़ी उठा के कहीं पे रख दिया ऐसा तो, तो कुछ नहीं है, तो सेम है, भाई। है। तो वो क्या कर रहा है इस...

पाँच था तो चार कर दिया स्पीड को ठीक है डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड घट रहा है तो टाइम सेम रेशियो में इंक्रीज होगा मतलब टाइम चार से पाँच हो जाएगा ठीक है टाइम ज्यादा लगेगा ना स्पीड अगर घटा दिया तो ऑब्वियसली टाइम लग, ज्यादा लगेगा ना नॉर्मल बात है कितना ज़्यादा लगेगा टाइम एक यूनिट ज़्यादा वहाँ पे क्या बोला कितना ज़्यादा लगेगा सात मिनट ज्यादा लगेगा तो सात मिनट लेट हो रहा है तो सात मिनट ज्यादा लगेगा एक यूनिट का वैल्यू सात मिनट है आपको क्या पूछा है फाइंड द एक्चुअल टाइम ही टेक्स टू डी के टाइम कितना था चार यूनिट ना तेईस ना? अरमान और अभिषेक ठीक है फिर जिस रेशियो में रिड्यूस हो रहा है टाइम उसी रेशियो में इंक्रीज फाइव इज टू फोर हो रहा होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा क्वेश्चन में बोल रहा है सात मिनट ज़्यादा लगेगा सात मिनट ज़्यादा लगेगा ना तभी तो सात मिनट लेट होगा है ना एक यूनिट का वैल्यू सात मिनट चार यूनिट तो अट्ठाईस मिनट अट्ठाईस मिनट आपका आंसर किसी मतलब ओरिजिनली कितना टाइम लगेगा वही कुछ तो लग ही जल्दी करो ये लोग तो थोड़ा जो भी कर रहे हैं सॉल्व आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करो मैच डेली कम है वो कितना क्लासेस में स्पीड आना जा, आ जाना चाहिए तो आप लोग घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस करो देखो लक्ष्मण वाइल्ड साइकिलिंग टू तो ही स्कूल रिड्यूसेज स्पीड टू तो एट्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट तो फ्रैक्शन कितना है सेवन परसेंट मतलब 100 परसेंट माइनस ट्वेल्व पॉइंट परसेंट परसेंट का फ्रैक्शन वन और 12.5 का वन बाई एट यह होगा सेवन बाईट अपने स्पीड को सेवन बाई एट बना रहा है मतलब रिड्यूस कर रहा है मतलब उसका स्पीड अगर आठ था तो सात बना रहा है घटा रहा है स्पीड घट रहा है तो टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस लेकिन सेम क्वेश्चन है ना स्पीड घट रहा है तो टाइम इंक्रीज होगा सेवन से टाइम कितना ज्यादा लग रहा है आठ मिनट यहाँ पे टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है एक यूनिट अगर आठ मिनट आपको क्या पूछा है एक्चुअल एक्चुअल टाइम टाइम जो लेता है तो सात यूनिट यूनिटी सिक्स विदाउट पेन वाला सवाल था थोड़ा तो प्रैक्टिस करो ये सब क्वेश्चन को दिमाग में सॉल्व कर दे एट सेवन सेवन बहुत इजी है देखो अगर आप दिमाग में सोच 87.5 का फ्रैक्शन आपको पता है 7 बाई 8 है मतलब 8 से 7 हो रहा है फिर अगर 8 से 7 हो रहा है टाइम 7 से 8 होगा 7 से 8 होगा 7 से 8 होगा हो गैप एक है एक का 8 तो 7 का था था कितना फिर एक का अगर 8 है तो 7 का कितना होगा फिर थोड़ा प्रैक्टिस करो ज़्यादा इजी नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा आप लोग ये क्वेश्चन कीजिए। रूट ड्राइव्स 30 परसेंट फास्टर देन पुल। बहुत स्टार्टेड द टाइम फ्रॉम नहीं तो आप एक काम करो। आप लोग सॉरी हाँ सॉरी डिस्टेंस। ये क्वेश्चन करो बाद में करेंगे। बात करेंगे। क्वेंस में जाना भी जा। ट्राई करो ये क्वेश्चन फोर्टी स्पीड ऑफ इज फादर फादर एंड सन इज फिफ्टीन किलोमीटर पर आवर एंड ट्वेंटी स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम एट वर्ड दो पॉइंट है एक स्पीड फादर एंड सन फादर का स्पीड है ट्वेंटी क्वेश्चन क्या बोला इफ सन लिव आफ्टर वन आवर टीचेस वन आवर अर्लियर देन हिज फादर देन फाइंड द डिस्टेंस कैन बी जो है एक घंटा बाद जा रहा है लेकिन एक घंटा पहले पहुंचेंस तो आपको डिस्टेंस तो कॉन्स्टेंट है बात नहीं है, तो पता है का ये रेशियो है पंद्रह और बीस बाप और बेटा का स्पीड कीट हो गया आपका पंद्रह बीस इस तीन चार हो गया स्पीड अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है टाइम कितना होगा चार और तीन ऑब्वियसली बाप को ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि पापा का स्पीड वो है ना स्पीड कम है तो पापा को टाइम ज्यादा लगेगा टाइम में गैप कितना होगा ये बताओ जब तो पापा को जितना टाइम लगेगा और सन को जितना टाइम लगेगा उसमें गैप कितना दो घंटा का गैप होगा दो घंटा का गैप है पक्का हेलो आप लोग इमेजिन करो सन आफ्टर वन आवर सपोज आप मान लो ऐसे ही जस्ट इमेजिन कर लो ठीक है जो फादर है वो तो सपोज दस बजे निकले टेन एम और जो सन है वो निकले एक घंटा बाद ग्यारह बजे और uh, सपोज पापा पहुंचे एक बजे एक बजे पहुंच गए और सन पहुंचे एक घंटा पहले बारह बजे तो वन पी एम होगा ना दस सुबह दस बजे पापा निकले एक बजे पहुंच गए ठीक है और सन जो है वो ग्यारह बजे निकले और बारह बजे पहुँच सन को कितना टाइम लगा एक घंटा लगा पापा को कितना घंटा लगा तीन घंटा लगा गैप कितना का हुआ गैप हुआ दो घंटा का तो मतलब जो गैप है वो दो घंटा एक यूनिट का वैल्यू है टू आवर्स चार यूनिट का वैल्यू कितना है एट आवर्स तब पापा जो है वो च... चार घंटा ले रहा है कितना डिस्टेंस के लिए सॉरी स्पीड कितना है पंद्रह किलोमीटर पर आवर पंद्रह किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस कवर करने में पापा को चार घंटा लग रहा है तो उसका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा पंद्रह 50... पापा जो है वो पंद्रह किलोमीटर ट्रेवल करता है एक घंटा में तो आठ घंटा में कितना करेगा एक बीस तो करेगा ना समझ में नहीं आता है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड टाइम कर लो पापा का ले लो सिर्फ एक का लेने से हुआ ना पापा का स्पीड कितना है पंद्रह है और पापा को टाइम कितना लग रहा है आठ घंटा लग रहा है ना पंद्रह इंटू आठ कितना होता है एक बीस है एक सौ आप लोगों ने दो सौ चालीस कहाँ डबल कर दिया ऐड नहीं कर ये मैं ना है ना एक ही तो डिस्टेंस है दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं ऐड क्यों करना है पी एक से डिस्टेंस निकाल लो दोनों का डिस्टेंस सेम है देखो सिर्फ देख समझो जो जो बेटा है जो बेटा जी जो है बेटा जी 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में गए वो एक घंटा लेट गया था एक घंटा जल्दी पहुंच गया क्यों पहुंचा वो क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है ना आपका अगर स्पीड ज्यादा है अभी अगर आप जितनी स्पीड में भाग सकते आप अगर एक बच्चा है आपके साथ आप उस बच्चा को नहीं बोलोगे कि तुम जाओ पहले मैं आता हूँ तो आप तो फिर भी सेम टाइम में पहुंचोगे ना कि आपका स्पीड ज्यादा है तो आप उसको वो डिस्टेंस में कंपेंसेट कर लोगे ना टाइम का वो हो रहा है इसमें डाउट आ आज डाउट के लिए तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना डाउट तो आना चाहिए वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा धीरे धीरे वन ऑफ दिस वाला क्वेश्चन बहुत कॉन्फिडेंस ठीक स्पेशली इंग्लिश अगर नो एरर देना है तो उस बहुत कॉन्फिडेंस वही अच्छा चीज है आपको पता ही नहीं चलेगा बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर तो नो एरर होता है इंग्लिश को पता नहीं चलता तब पता चल जाता है लेकिन आपको फिर भी डाउट लगता है या डी तो अगर सब कुछ आ जाएगा तो फिर वो तो नर्वसनेस नहीं रहेगा और नर्वस जब तक आदमी तब तक सही नहीं, नहीं आता तो नर्वस होना चाहिए थोड़ा तो तो डर लगना चाहिए फिर जाके कुछ जल्द निकल ये हो गया आपका ये क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया नी वन पर प्लीज कंफर्मेशन का वाई दे दो तो आ गया आई होप मैंने एग्जाम्पल में भी समझा दिया नहीं तो फट से दो घंटा अगर किसी को एग्जाम्पल से भी आप लोग समझ सकते दस बजे अगर निकलेगा बाप एक पहुँचेगा बेटा अगर एक घंटा बाद निकलेगा तो टाइम जो ट्रैवल है उन टाइम लगा तो जो गैप है वही हमको वो निकल हम और दो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन के बाद देखते अगर टाइम रहा तो वो करेंगे और नहीं तो वो आप लोग होमवर्क करना ये क्वेश्चन देखो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए तो घबराना मत था एक भी क्वेश्चन ये चैप्टर ही ऐसा है थोड़ा सा दिमाग हाँ, खराब होगा लेकिन कोई बात नहीं आराम आराम से कर सीखने में फोकस करना चलो आंसर फिफ्टी किलोमीटर तो भाई अनिरुद्ध जो है वो थर्टी परसेंट फास्ट ड्राइव करता है फुल और तो अनिरुद्ध का जो स्पीड का रेशियो है थर्टी परसेंट मतलब क्या है थ्री बाई टेन है ना अगर दस है तो अनिरुद्ध देखो डिस्टेंस सेम है सेम है ना टाइम भी टाइम उल्टा लगना चाहिए थर्टी नॉट टेन लेकिन क्या बोला यहां पे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम फॉर पुणे एंड रीच मुंबई एट द सेम टाइम अरे ये कैसे हुआ ये कैसे हो गया कौन बोल सकता है ये जो हुआ ये कैसे हुआ ये क्या हुआ कैसे हुआ हुआ कब हुआ ये मुझे हुआ. कैसे हुआ ये सेम टाइम में क्यों पहुंचे दोनों पहुंचना तो उसको जल्दी पहुंचना चाहिए था ना निरुद्ध को देख ली डेट वन पॉइंट हाँ रेस्ट लिया इसीलिए डेढ़ घंटा रेस्ट लिया डेढ़ घंटा रेस्ट लिया भाई डेढ़ घंटा रेस्ट लिया तभी तो सेम टाइम में पहुंचे अगर हमें चल के आता तब तो अनिरुद्ध जल्दी पहुंचता ना लेकिन सेम टाइम में क्यों पहुंचे क्योंकि डेढ़ घंटा किसने रेस्ट लिया निरुदी लेगा अगर पुलकित रेस्ट लेगा तब तो वो बहुत बाद में पहुंचेगा वो तो रेस्ट नहीं लेगा ना अनिरुद्धी रेस्ट लेगा 1.5 रेस लिया ठीक है ये टाइम जो है ये ट्रेवल टाइम होता है ना स्पीड कंटिन्यूस टाइम तो जो रेस्ट टाइम है देखो जो रेस्ट टाइम है वो ये कौन है इसका नामकित पुलकित का रेस्ट टाइम जीरो है कुछ नहीं है लेकिन अनिरुद्ध का रेस्ट टाइम कुछ तो है जिससे ये बद सेम हो जा रहा है मतलब टाइम जो सेम हो रहा है ये पुलकित को भी टाइम लग रहा है थर्टीन यूनिट्स और अनिरुद्ध को भी टाइम लग रहा है थर्टीन यूनिट्स तो ये दस यूनिट नहीं लग रहा है दस यूनिट तो उसका ट्रेवलिंग टाइम तो थर्टीन क्यों लग रहा है क्योंकि वो तीन यूनिट जो है वो रेस्ट ले रहा है ना तीन यूनिट टाइम वो रेस्ट ले रहा है क्योंकि टाइम तो सेम है ना पुलकित का जितना टाइम लगना चाहिए अनिरुद्ध को भी उतना ही टाइम लग रहा है तीन यूनिट वो रेस्ट ले रहा है तीन यूनिट का वैल्यू कितना है वन पॉइंट फाइव आवर्स एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा जीरो पॉइंट फाइव आवर्स आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ एक एक यूनिट अगर 0.5 है तो पुलकित को टाइम कितना लगा थर्टीन यूनिट मतलब पॉइंट फाइव आवर्स थर्टीन इंटू जीरो पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट फाइव आवर्स पुलकित को टाइम लगा कितना सिक्स पॉइंट फाइव आवर्स पुलकित का स्पीड कितना है उसने डिस्टेंस कितना कवर किया टू सिक्सटी टाइम कितना लगा उसको सिक्स पॉइंट फाइव ठीक है मतलब चार चालीस चालीस किलोमीटर पर आवर उसका है ना क्या समझ नहीं आया तो क्या नहीं आया वो भी बोलो इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते ऐसे भी समझ सकते आप ज़्यादा कंफ्यूज confused... कन्फ्यूज confused... थर्टीन इस टू टेन जो है वो किसका रेशियो है टाइम का रेशियो है ठीक है किसका टाइम ये कौन है इसका पी और ए का टाइम ठीक है दोनों बोल रहे टाइम सेम टाइम सेम लग रहा है आप आप सोच लो टाइम सेम नहीं लग रहा है टाइम अगर सेम नहीं लगता तो ये अनिरुद्ध जो डेढ़ घंटा रेस्ट ले रहा है ना अगर वो ये रेस्ट नहीं लेता तो वो बाद में ही पहुंचता वो रेस्ट ले रहा है अनिरुद्ध जो है अनिरुद्ध को जल्दी पहुंचना था है ना अनिरुद्ध जो है जल्दी पहुंच रहा है मतलब जल्दी पहुंचना चाहिए था लेकिन वो जल्दी नहीं पहुंच रहा है क्यों क्योंकि तो वो रेस्ट ले रहा है अगर वो रेस्ट नहीं लेता तब तो वो डेढ़ घंटा पहले पहुंचता ना ये सब कुछ ये किसको किसको समझ में आ रहा है आप एक बार यह नो में जवाब दीजिए आप लोग कोई जवाब ही नहीं दे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर अनिरुद्ध रेस्ट नहीं लेता अगर अनिरुद्ध अगर रेस्ट नहीं लेता तब तो वो डेढ़ घंटा पहले पहुंचता ना पहुंचता कि नहीं बोलो ने डेढ़ घंटा रेस्ट लिया तभी तो वो टाइम अभी तो टाइम मैच हुआ ना लेकिन अगर वो रेस्ट नहीं लेता वो मान लो आप मान लो रेस्ट नहीं लिया अब क्वेश्चन को पलट दो क्या फर्क पड़ता है क्वेश्चन को चेंज कर दो आप मान लो कि रेस्ट लिया ही नहीं अनिरुद्ध ने रेस्ट नहीं अगर लेता वो अगर वो रेस्ट नहीं लेता तब तो वो डेढ़ घंटा पहले पहुंचता ना पहुंचता यहाँ पे वो कितना टाइम पहले पहुंच रहा है तीन यूनिट पहले पहुंच रहा है तो तीन यूनिट का वैल्यू डेढ़ घंटा ऐसे भी सॉल्व कर लो क्या प्रॉब्लम है अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऐसे भी बात है वो अभी अभी समझ में आया और इसमें अगर समझना है तो ऐसे समझ लो दोनों को टाइम सेम लग रहा है इनको टाइम लग रहा है तेरह यूनिट इनको दस यूनिट कहाँ सेम लग रहा है सेम इसलिए लग रहा है क्योंकि अनिरुद्ध एक्स्ट्रा रेस्ट ले रहा है एक्स्ट्रा टाइम वो खर्च कर रहा है ठीक है अनिरुद्ध को एक्चुअली दस यूनिट टाइम लगना चाहिए तो उसको तेरह यूनिट क्यों लग रहा है क्योंकि वो एक्स्ट्रा टाइम खर्च कर रहा है कितना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अभी तो तेरह और तेरह होगा ना टाइम तभी तो बराबर होगा लेकिन ये अप्रोच मेरे ख्याल से ये अप्रोच ज्यादा ठीक है ज्यादा रियलिस्टिक मैंने आपको समझाया आप देखो कोई भी अप्रोच से समझ लो जब समझने का जरूरत देखो इसमें क्या है थर्टीन इंस टू टेन जो है वो टाइम का रेशियो है तो आप वो बोल रहे हैं कि दोनों को टाइम सेम लगा है मतलब तेरह तेरह लगा होगा तेरा तेरह ही लगा होगा ना क्योंकि तो पुलकित ने तो कभी रेस्ट लिया नहीं रेस्ट तो अनिरुद्ध ही ले रहा है पुलकित को तो तेरह यूनिट टाइम ही लगा है लेकिन अनुरुद का ट्रेवलिंग टाइम है तेरह यूनिट उसमें

हो गया समझ में आया कि नहीं अरमान और विशाल छोड़ के हाँ तुमको तो समझ में आ गया भी आ रहा है बाकी लोगों को आ गया ना अच्छा क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखो इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ सेवेंटी फाइव किलोमीटर सेवेंटी फाइव किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है धोनी टेक्स टू आवर्स मोर देन मोन्टी धोनी को टू आवर्स ज्यादा लगता है मॉन्टी से इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में धोनी को टू आवर्स ज्यादा लगता है मॉन्टी से अगर जॉनी की डबल कर दे तो उसको थर्टी मिनट कम लगता है मोंटी से आपको दोनों का स्पीड का एवरेज बताना है दोनों स्पीड आ जाएगा ना जॉनी और मोंटी का निकालो फिर उन दोनों स्पीड का एवरेज बताओ क्वेश्चन है तो बनाओ देखते हैं कौन जल्दी बना सकते और कौन बना सकते लास्ट क्वेश्चन है आज आपको होमवर्क नहीं आज आज नहीं आज फर्स्ट क्लास है थोड़ा आराम से लगने से आप लोग एक बार से उस और करने का चलो मेरा आंसर निकल गया आप लोग निकालो Answer. चलो देखो इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ सेवेंटी फाइव किलोमीटर टोनी टेक्स टू आवर्स मोर देन मोंटी तो यहाँ पे दोनों केस में तो दोनों केस छोड़ो सेवेंटी फाइव किलोमीटर का डिस्टेंस टोनी को दो घंटा ज्यादा लगता है मॉन्टी जो है वो सपोज दस बजे निकलता है ये डिस्टेंस कवर करने की और बारह बजे पहुँच जाए तो जॉनी को कित अगर दो घंटा ज़्यादा लेता है मतलब जॉनी अगर दस बजे निकलता है तो वो पहुँचेगा कितने बजे हंटी से दो घंटा ज़्यादा लेगा ना मतलब दो दो बजे पहुँचेगा ना जॉनी अगर अपना स्पीड को इंक्रीज कर देता है जॉनी अगर अपना स्पीड को इंक्रीज कर देता है डबल कर देता है तो वो तीस मिनट कम लेता है मोन्टी से मतलब ये फर्स्ट केस है जहाँ पे जॉनी अपना नॉर्मल स्पीड में चल रहा है उसका स्पीड चेंज नहीं हुआ है वो अपना स्पीड में चल रहा है मोन्टी भाई भी अपना स्पीड जॉनी भाई अपने स्पीड में और मोन्टी भाई अपने जॉनी भाई ने क्या किया दस बजे निकला वो दो बजे पहुंच गया नेक्स्ट क्या किया कि उसने अपना स्पीड बढ़ा दिया अभी ऑब्स बात है उसको टाइम कम लगेगा क्या बोल रहा है अगर वो स्पीड डबल करके दस बजे निकलता है तो वो तीस मिनट पहले पहुंच जाता है मोंटी। तो वो मोंटी बारह बजे पहुंचता है तो वो साढ़े ग्यारह बजे ही हाजिर हो जाता है पहुंच जाता है नहीं बोला है अभी क्या बोला आपको एवरेज स्पीड निकाल रहे है जॉनी मोंटी। मतलब दोनों का आपको स्पीड निकालना पड़ेगा बात है डिस्टेंस तो सेम है ना इन कवरिंग दोनों तो सेम डिस्टेंस ही से कवर कर रहे हैं आप जॉनी का केस उठाओ शायद ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव का आंसर गड़बड़ था ये देखते हैं रुको तो जॉनी जो है वो पहले कितना टाइम लेता था दस बजे से दो बजे तक फोर आवर्स लेता था अभी वो कितना लेता है टाइम अभी वो डेढ़ घंटा लेता है वन पॉइंट फाइव आवर्स लेता है कि डबल होने की वजह से वो डेढ़ घंटा ले रहा है ना ये सब इमेजिनेरी सिचुएशन है ना और आप कर सकते में कोई मतलब नहीं है खुद सोचना कि आप टी लेके सोचना तो मैं आपको टी वी लेके नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूज कर ऐसे नॉर्मल देखो नॉर्मल रियल लाइफ सिचुएशन लेके देखो तो ज़्यादा ईजी ले तो जॉनी जो है ये ये वाला सिचुएशन हुआ है यहाँ पे क्या बोला कि जॉनी अपना स्पीड को डबल कर रहा है अगर जॉनी अपना स्पीड को डबल करता है वो वन से टू करता है तो जॉनी को जो टाइम है वो कम लग, टू से वन लगना चाहिए से लगना। ये मैं जॉनी का बात कर रहा हूँ जॉनी को जो स्पीड है वो डबल कर रहा है तो जॉनी को जो टाइम है वो टू से वन लगना चाहिए जॉनी को पहले लग रहा था चार घंटा अभी लग रहा था डेढ़ घंटा तो कितना गैप है ढाई घंटा का गैप है ना मतलब ये जो गैप है जो दोनों टाइम में जो गैप है वो जो एक यूनिट का वैल्यू है वो टू पॉइंट फाइव आवर्स है ठीक है मतलब उसको पहले कितना लग रहा था फाइव आवर्स और स्पीड बढ़ाने से उसको कितना लग रहा है टू पॉइंट फाइव आवर्स जॉनी जो है ये जॉनी है ना जॉनी दो घंटा ज्यादा लेता है मॉन्टी से आप नॉर्मल में आ जाओ अभी आप स्पीड डबल को छोड़ो नॉर्मली जॉनी कितना लेता है फाइव आवर्स यहां पे बोला है जॉनी टू आवर्स ज्यादा लेता है मोन्टी से जॉनी पांच घंटा लेता है तो मॉन्टी कितना लेता हो ये सेवेंटी फाइव को कंप्लीट करने के लिए टॉनी लेता है फाइव आवर्स मोंटी लेता है थ्री आवर्स टॉनी का स्पीड कितना आएगा सेवेंटी फाइव किलोमीटर कितने टाइम पे कवर कर रहे पाँच घंटे में का स्पीड आएगा जॉनी का पंद्रह और मोंटी का स्पीड कितना आएगा वो सेवेंटी फाइव कर रहा था तीन घंटे में आएगा पच्चीस पच्चीस और पंद्रह का एवरेज कितना है ठीक है चलो कोई डाउट है तो कल मुझे पूछ लेना और जिनको समझ में आ गया वो लोग यस बोल दो और जिनको नहीं आया आप लोग डोंट वरी आई विल एक्सप्लेन इथ अगेन कल आराम से फ्रेश समझेंगे समझ में आ गया तब तो किसको किसको आ गया बोलो तो समझ में यहाँ पे ऑन्टी का एग्जाम्पल देके जॉनी का टाइम का गैप निकाल हिंट दिया है कुछ ठीक है मोंटी का एग्जाम्पल देखे जॉनी का टाइम निकालने का हिंट दिया है क्वेश्चन ये थोड़ा सा, सा क्वेश्चन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में भी किए थे आपको तो अगर याद है कि सीपी से गैप बता देता है फिर हमको दिमाग में गैप लेना वो वो वाला सीन है ठीक है देखो क्लास छोड़ क्या ना देखो मैं आपको और एक वे में ये एक्सप्लेन अभी आप समझ टोनी टेक्स टू आवर्स मोर देन मोन् तो मॉन्टी अगर टी आवर्स लेता है मॉन्टी अगर टी आवर्स लेता है नॉर्मली टोनी कितना लेगा दो घंटा ज़्यादा लेगा टी ये नॉर्मल केस है नॉर्मल केस फिर नेक्स्ट केस क्या दिया हुआ है जॉनी ने अपना स्पीड डबल कर दिया तो ये सेकेंड केस है जहाँ पे जोनी डबल्स धोनी स्पीड डबल, डबल लिख रहा हूँ उसका स्पीड क्या किया उसने डबल कर दिया तो जॉनी का जो स्पीड डबल किया तो मोंटी को उससे क्या फर्क पड़ेगा वो तो सेम टाइम में ही जाएगा ना क्या मोंटी को तो टी आवर्स ही लगेगा जॉनी को ही सॉरी जॉनी yes, तो जो है मोंटी को टी लग रहा था तो अभी जॉनी को लगेगा कितना माइनस थर्टी मिनट मतलब पॉइंट फाइव आवर्स सेकेंड केस में क्या बोला सॉरी ये कौन है ये जॉनी जो है अपना स्पीड डबल कर रहा है जोनी जो है अपना स्पीड को क्या कर रहा है वन से टू कर रहा है डबल कर रहा है तो उसको टाइम कितना लगना चाहिए टू से वन लगना चाहिए पहले टॉनिक को पहले जो टाइम लग रहा था वो टी प्लस टू था अभी उसको टाइम लग रहा है टी माइनस पॉइंट फाइव पहले टी से दो घंटा ज्यादा लग रहा था अभी टी से आधा घंटा कम लग रहा है पहले जो भी टाइम था टी से पहले दो घंटा ज्यादा लग रहा था अभी उस टाइम तीस का आधा घंटा कम लग रहा है तब दोनों सिचुएशन में जो टाइम का गैप है वो ढाई घंटे का है तो ना समझ में देख लो ना प्लस दोनों में गैप कितने प्लस टू माइनस 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 पॉइंट फाइव तो प्लस पॉइंट फाइव आवर्स ठीक है तो एक यूनिट है टू पॉइंट फाइव आवर्स वन बाई टू आवर्स तो मतलब ये दो यूनिट कितना है दो तो एक अगर टू पॉइंट फाइव है तो दो यूनिट पाँच घंटा नॉर्मल केस में नॉर्मल केस में पाँच घंटा लग रहा है नॉर्मल केस में जॉनी को लग रहा है पाँच घंटा प्लस टू का वैल्यू है फाइव टंटी को कितना लग रहा है आवर्स तो का टाइम आ गया पाँच घंटा और तीन घंटा आ गया दोनों का टाइम आप क्या हुआ है आप स्पीड निकाल लो और एवरेज निकाल लो अभी बोलो कितने लोगों को समझ भी, भी नहीं आया थैंक यू एवरीवन वन गुड नाइट कल मिलते हैं फिर बाय बाय